हेलो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही देखा। आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है उसमें अभी भी 30-35 दिन लगभग बाकी है और 30-35 दिन में आपको अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग पीछे जो भी पढ़े हुए हैं 10-11 महीनों में, उनका रिविजन आपको इन 30-35 दिनों में कर लेना है। उसके बाद ही आप अच्छे से अच्छे नंबर उठा पाइएगा। तो कैसे आपको रिविजन करना है हम आपको बताएंगे। आपके मोबाइल में क्रोम या फिर गूगल तो ज़रूर होगा, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जाइए और क्रोम या फिर गूगल ओपन कर लिए, ठीक है। सबसे पहले जाइए तो अपने मोबाइल में क्रोम या फिर गूगल ओपन करिए, ठीक है। तो फाइनली हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और फाइनली देखते हैं मेरे मोबाइल में क्रोम कहाँ है। तो मैं फाइनली जाकर यहाँ पर देखता हूँ क्रोम का है, तो फाइनली मेरा यहाँ पर क्रोम मिल गया, ठीक है। और फाइनली मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम क्रोम को ओपन किए तो यहाँ पर सर्च बार में आपको क्या टाइप करना है हम आपको बता देते हैं, और यहीं से आपको पीछे का जो भी आप पढ़े हैं उसका रिविज़न कर सकते हैं। यही एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट की मदद से आप लोग रोज़ाना का हर सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो, पीछे का जो भी पढ़े हैं उसका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सर्च बार में आपको क्या क्लिक करना है हम आपको बता देते हैं। ये इसी सर्च बार में आपको टाइप करना है studygrown.com, STUDY स्टडी, और उसके बाद लिखना है GROWN और .com लिखकर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर लिखकर सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फाइनली मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिख देख सकते हैं स्टडी ग्रोन वेबसाइट की मदद से आप लोग रोजाना का हर सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। जैसा कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखिए 9 जनवरी आ जाए, और 9 जनवरी का आप सोशल साइंस का टेस्ट दे सकते हो, और पीछे का जो भी आपका छूटा होगा 8 जनवरी, 7 जनवरी और यहाँ पर 6 जनवरी, और देखिए संस्कृत भी वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि आपका जो भी अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद है, ठीक है। निबंध सभी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। तो फाइनली आज है 9 जनवरी, और 9 जनवरी का अगर आपको टेस्ट देना है तो फाइनली इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा, नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन लिखा 9 जनवरी सोशल साइंस टेस्ट क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 लोगों ने आकर यहाँ पर टेस्ट दे चुके हैं, और फाइनली आप लोग बाकी है। तो आप लोग जाइए टेस्ट दीजिए, आज का लाइव टेस्ट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 जनवरी, यहाँ पर स्टार्ट का जो बटन आपको दिखाई देगा इसी स्टार्ट पर आपको क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करिएगा तो आपका नाम मांगेगा, तो आप अपना फाइनली नाम डाल देना। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना, आपका क्या नाम है। मान लेते हैं आपका नाम है विशाल, तो VVIS HL विशाल हम नाम टाइप कर दिए और टाइप कर नेक्स्ट कर दिए। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। जो भी पीछे का पढ़े हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हैं, उसका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और इस टेस्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंट रिजल्ट बना है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। आप अंत में अपना रिजल्ट शो करके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, और सभी का क्वेश्चन का मतलब कि आपको जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसको शो कर दिया जाएगा, कितना परसेंट आपका रिजल्ट बना है वो भी शो कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका मान लेते आंसर सी होगा। तो सी हम टिक लगाएंगे तो ग्रीन का ऑप्शन दिखाई दे देगा और आपका 100% यह आंसर सही होगा। अगर मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है ब्रीडर्स वुल्ड सम्मेलन कब हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था, 1944 ईस्वी में, लेकिन इसका हम आंसर गलत लगाते हैं। जैसे आप गलत पर टिक लगाइएगा तो यहाँ पर रॉन्ग का दिखाई दे देगा, यानी कि आपका आंसर ए नंबर का, ठीक है। तो जाइए यहाँ पर आप लोग टेस्ट दीजिए और देखिएगा आपका कितना परसेंट बन रहा है, और जितना परसेंट बनेगा रिजल्ट आप लोग मतलब कि हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके पीछे का सोशल साइंस का एक दो क्वेश्चन था जो गलत हुआ था उसको सुधार कर दिया गया, जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। आज का मतलब कि क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो जाइए आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका एवरेज कितना आ रहा है, कितना परसेंट आपका रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।